मैं नेक का निशान लगाऊंगी। मेरी नेक की विड्थ होगी 3 इंच और फ्रंट नेक की मैं अपनी डेप्थ लूँगी 5.5 इंच। बैक नेक की डेप्थ होगी मेरी 3.5 इंच। मैं दोनों ही नेक के निशान इस पर ही लगा लूँगी और कट में अलग अलग करूँगी। 5.5 इंच मेरी फ्रंट नेक की डेप्थ होगी। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये 4 लेयर में है, 2 पार्ट्स मैंने इसके दोनों एक साथ लिए हैं। बैक मेरा 3.5 इंच है तो मैं 3.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और दोनों ही राउंड शेप में निशान लगाकर पहले मैं बैक नेक का कट कर लूँगी। ये मेरे 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। मैं इसके अंदर से बैक पार्ट को निकाल कर अलग कर दूँगी। अब जो मैंने 5.5 इंच पर फ्रंट नेक का निशान लगाया था, अब मैं उसको कट करूँगी और ये मैंने फ्रंट नेक कट कर दिया है और इसमें छोटा सा कट मैंने आगे की तरफ लगाया है, 1 इंच का या 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं। ज़्यादा डिप नहीं करूँगी, सिर्फ 1 से 1.5 इंच के बीच में। मैं दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर रखकर ये शोल्डर से सिलाई लगाऊंगी, दोनों को जॉइंट कर दूंगी। मैंने नेक के लिए उरे पट्टियाँ काटी हैं और उन पट्टियों को मैं ज्वाइन कर लूँगी। और नेक पर ये उरे पट्टी मैं चारों तरफ लगा लूंगी। नेक रेडी हो गया है मेरा और जो मैंने आगे थोड़ा सा कट लगाया था, मैं यहाँ पर डोरी लगाऊंगी बाद में। मैं कुर्ती को अब सीधी साइड से फोल्ड करूंगी क्योंकि इसमें निशान सीधी साइड से लगेंगे, हमने सिर्फ सामने से सिलाई लगानी है। तो जो भी आपकी मेज़रमेंट है, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगा सकते हैं।
बस आपने ऊपर से शोल्डर का आपने 7 इंच पे लेना है, 7 या 6.5 पर भी ले सकते हो। मैंने 7 इंच पे लिया है और उसके बाद मैंने चेस्ट का, फिर वेस्ट का और हिप का निशान लगाया है। मैं बैक साइड में भी एक निशान लगाऊंगी इलास्टिक के लिए, ताकि वो जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा झोल आ जाता है वो नहीं आएगा, इसमें थोड़ा लटक सा जाता है फैब्रिक। तो मैं यहाँ से मैंने इसको ऊपर से 12.5 इंच पर लिया है, या 13 इंच पर भी ले सकते हो, आप अपनी कमर के साइज टॉर्सो पार्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 इंच पर लिया है, जिसकी विड्थ 7 इंच है, और ये मैंने निशान लगा लिए, सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। और ये देखिए इस टाइप से बन के रेडी है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है फाइनली, देखिए आप।